रीमा इज योर ब्रांड एम्बेसडर. सो हाउ इज दिस पॉसिबल? रीमा से मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत ज्यादा. यहाँ पर आई है, जब उन्होंने मेरा ये देखा तो शी इज वेरी हैप्पी कि यार तुमने कमाल कर दिया. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना अच्छा ये सेटअप करोगी. 2007 में इसका प्रोफेशनल कोर्स किया मैंने. अभी मैं बाहर चले गई और जब वापस पाकिस्तान आई तो डिफरेंट ब्रांड्स में मैंने ना काम किया 7 months में. तो माशाल्लाह इसका भी टॉप 10 में हम लोग आ रहे हैं. You were an athlete at national level. Sports एक इंसान की जिंदगी में चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है. स्कूल में मैं बेस्ट एट थी, नेशनल में गई, गोल्ड मेडल विन किया, ब्राउन्स सिल्वर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे. बट थ्रू आउट योर लाइफ उसने बहुत काम दिया. Yes. मैं स्केट नहीं करती थी, लोग मुझसे स्केट थे और रियली नादिया मुझे लगता था कि मैं हवा में उड़ रही. ब्यूटीफुल ह्यूमन. सो व्यूअर्स मस्ट बी थिंकिंग कि ये वर्ड क्यों बोला. ये बहुत से लोगों की हेल्प कर रही हैं हु कांट अफोर्ड, अनप्रिविलेज्ड लोग हैं हु कांट अफोर्ड टू लर्न दिस ब्यूटीफुल स्किल. ना सिर्फ उनको फ्री में ये स्किल दे रही है बल्कि स्टाइपेंड्स दे रही है, व्हिच इज अ बिग थिंग. कुछ लोग हैं कि जो इस प्रोफेशन को बहुत बुरा समझते हैं. अब आई थिंक चेंज होता जा रहा है. अभी भी चल रहा है. यू आर इन दिस सो यू कैन टेल बेटर. पेरेंट्स को भी इसकी अवेयरनेस नहीं है. वो कहते जी माई लड़की इस प्रोफेशन में क्यों जाए. तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के साथ कि जो बच्चियाँ इस फील्ड में बच्चियाँ या बच्चे आने चाहते हैं उनको आने दें. मेरे पास इस वक्त 80% लड़कियाँ काम कर रही. तो मेरे प्लेटफॉर्म मैंने दिया हुआ है. आओ मैं बच्चों को कहती हूँ आओ मेरे पास काम सीखो. हाँ. काम करो. GQ क्या ऑफर करता है विच मेक्स इट डिफरेंट एंड यूनिक एंड मेक्स इट. हमारे चार्जेस इतने अफोर्डेबल हैं कि हर बंदे इसको अफोर्ड कर सकता है. हम लोग ब्रांड यूज नहीं करते कोई भी मैनी पैडी में. जस्ट हर्बल थिंग्स यूज होती है उसमें सारी. मैंने पाकिस्तान में सैलून स्टार्ट किया. मुझे बताएं सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या है यहाँ पे. नादिया मैंने तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं. मुझे तो सबसे पहले बोला गया था कि ये ऑनर बन सकती है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था. मैंने एक्सेप्ट किया. और वो चैलेंज किया अपने स्पिरिट वही स्पोर्ट्स की वजह से आई क्योंकि लोग यहाँ से सीखते हैं एंड देन दे मूव ऑन. लोग मर भी तो जाते हैं ना. किसी के मरने से काम नहीं रुकता, रुकती नहीं. और सबसे ज्यादा आपको क्या चीज खुशी देती है? अपने बच्चों की मुस्कुराहट. मैंने सबको बोला कि स्माइल दिया करो फेस पर. वो खुशी होती मुझे कि मेरे बच्चे खुश हैं. एंजेलिना जोली भी आपकी ब्रांड एंबेसडर. Hi viewers, this is Nadia Sajid. We are very happy to have Gohar Ghizalbash with us today. She's a beautiful human and a very famous beautician. आज इनसे हम बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम गोहर, how are you? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप बताओ? बिल्कुल ठीक. How is everything going? Everything is going good na. है ना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. Back to life again after COVID और सब कुछ parlors की salons की रौनक वापस आ गई. Must be feeling good. हाँ. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले start करते हैं सबसे important चीज़ जो मेरे दिमाग में चल रही थी. Reema is your brand ambassador. Yes, Reema is so brand how is this possible? Reema Khan America में और पाकिस्तान कभी कभी उनका आना होता है. So how was it possible? पहले मेरा ख्याल है किसी भी सलोन के साथ उनका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं रहा किसी को उन्होंने किया. हाँ. So how was it? Must be very beautiful experience. But कैसे possible हुआ? Reema से मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत ज़्यादा. अच्छा. तो बस वो जब आना यहाँ पर आई हैं, जब उन्होंने मेरा ये देखा तो शी इज़ वेरी हैप्पी कि यार तुमने कमाल कर दिया. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना अच्छा ये सेटअप करोगी. ओके. तो वैसे नॉर्मली वो किसी को हाथ ही लगाने देते थे. यस यस यस. तो मैंने उनको इंसिस्ट किया कि आप ट्राई तो करो एक दफ़ा मेरे मेकअप आर्टिस्ट को. ओके. तो देन शी ट्राई और इज वेरी हैप्पी कि मुझे इतनी खुशी हुई जी क्यों कि मेरी आपके मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे अंडरस्टैंड किया. जब आती है रूटीन में अपने यहाँ पर ही सारा करवाती हैं. हाँ. अपने जो कुछ शूट्स होते हैं कुछ भी हो. She gets it done here. Yes. अच्छा. So you are known by GQ, huh? Yes. गोहर आपको कम लोग ही जानते हैं GQ का नाम. सब GQ's के नाम से मार्केट में मैं. अच्छा. You have a beautiful journey. मुझे पता है इसीलिए हम आज यहाँ पे हैं. सो हम चाहेंगे कि अब व्यूअर्स को भी अपनी ब्यूटीफुल जर्नी के बारे में बताएं कि हाउ वाज दिस पॉसिबल. यू बिकेम अ वेरी फेमस ब्यूटिशियन और बड़ा फेमस है आपका GQ. रीमा आपकी ब्रांड एम्बेसडर है. सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? नादिया आई एम इन स्कूल. मैं अपने स्कूल की बेस्ट एथलीट और पंजाब नेशनल की थी और बचपन से ही मुझे शौक था ये ऐसे पेंटिंग्स का कुछ करना ना. तो मैं अपनी जो मेट्स थी उनको भी मेकअप वगैरह ऐसा ही ना करती थी घर में. जब स्कूल से फ्री हुई कॉलेज लाइफ में गई तो कॉलेज जब फ्री हुई
तो घर में कुकिंग का भी था, थोड़ी कुकिंग करनी और फिर जब फ्री होना तो अपनी मेड्स को मेकअप करना। तो फिर एक दिन ऐसे ही मैंने हुआ कि मैं इसका कोर्स क्यों ना करूँ इस चीज़ का ना। तो मैंने उसको कोर्स किया 2007 में, इसका प्रोफेशनल कोर्स किया मैंने। और फिर मैं बाहर चले गई, तो बाहर एक पोलैंड की लेडी थी जिसके साथ मैं काम करती थी। अच्छा। और जब वापस पाकिस्तान आई तो डिफरेंट ब्रांड्स में मैंने ना काम किया। और फिर मुझे हुआ कि ये मैं काम दूसरों के लिए जो कर रही, तो अपनी ज़ात के लिए क्यों ना करूँ। बिल्कुल, अपनी हॉबी को यस ऑफ कोर्स प्रोफेशनल हाँ मैंने बनाया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसको 1 ईयर 7 मंथ्स हुए हैं, तो माशाल्लाह इसका अभी टॉप 10 में हम लोग आ रहे हैं। बड़ी जल्दी 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 सब 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 इट्स अ लॉन्ग जर्नी, मुझे 17 इयर्स हो गए इस फील्ड में। जब पर्सनल सैलून खोले हुए अभी सिर्फ तकरीबन 2 साल 7 मंथ्स हुए। यस दो साल भी प्रॉब्लम, बट यू वर इन दिस इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टाइम, 17 इयर्स। यस यू जस्ट मेंशनड यू वर एन एथलीट एट नेशनल लेवल, मुझे ये बताएं कि हाउ डिड इट हेल्प यू यू नो थ्रू आउट योर लाइफ। सिर्फ एथलीट होना सिर्फ आपकी बॉडी को, आपकी फिजिकल उसको ही बहुत ज़्यादा देता है, हेल्प आउट करता है, या फिर और भी चीज़ों में इसने आपको हेल्प आउट किया? इसने मुझे काफ़ी चीज़ों में हेल्प आउट किया। आई वॉन्ट अदर्स टू नो कि स्पोर्ट्स एक इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब मैं स्कूल में मैं बेस्ट लेट थी तो मुझे नेशनल से पार्टिसिपेट करने के लिए आया कि जी उनको, तो मेरी टीचर ने मुझे बोला कि अपने पेरेंट्स को आप जाके बोले ना कि इस तरह आपने पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने जब बोला तो उन लोगों ने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, यू डोंट गो। तो सेकंड टाइम मैंने अपनी टीचर को आके बताया तो कि मुझे परमिशन नहीं मिली, सॉरी। तो शी टोल्ड मी कि डोंट वरी, चिल। नेक्स्ट डे वो मेरे घर पे गई। अच्छा। और शी इज़ माई बेस्ट टीचर, हर नेम इज सोनिया बेंजामिन, उनको मैं कभी भूल नहीं सकती। आई लव हर, यू नो, तो आई लव हर। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को आके कन्विंस किया कि, तो उनको समझ आई, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। देन मैं नेशनल में गई और मैंने गोल्ड मेडल विन किया, ब्राउन्स, सिल्वर, और कितने नादिया बेतहाशा शील्ड्स और कप्स मेरे पास ढेर था। अच्छा। सर्टिफिकेट्स का भी, और स्पेशली मुझे मैं प्राउड पत्र का फील करती जब मैं ट्रैक पर आती थी ना, तो लड़कियां अपनी टीचर्स जो दूसरे स्कूल्स की होती थी वो कहती थी नहीं नहीं हमने नहीं जाना, ये आगे ये विन कर जाएगी, ये आगे ये विन कर जाएगी। तो बचपन था, खुशी भी होती थी और प्राउड फील भी करती थी। और मेरे से ज़्यादा मिस सोनिया बेंजामिन बहुत प्राउड फील करती थी इस चीज़ के लिए कि यार मेरी बच्ची के लिए चीज़ बोली जाती है। तो स्कूल में भी मिस्टर भाप थे, फिर मिस्टर दास आए, तो बहुत प्राउड फील करते थे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। और जब स्टेज पे, अभी मैं सीढ़ी उतरती भी नहीं थी तो दोबारा फिर नाम मेंशन हो जाता था, तो वो हंसते थे कि क्या भाई तुमने सारा ले जाना है। बट थ्रू आउट योर लाइफ उसने बहुत काम दिया। यस, बहुत ज्यादा। नॉट टू बी स्केयर्ड ऑफ कंपटीशन, मैं स्केयर्ड नहीं करती थी, बिल्कुल लोग मुझसे स्केयर्ड थे, बिल्कुल। और रियली नादिया मुझे लगता था कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, मैं भागती थी मुझे लगता मैं हवा में उड़ रही हूँ। अभी भी आप ऐसा फील करती हैं? यस, मैं अभी भी लग रहा, अब ये कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि अभी मैं, और डाउनवर्ड्स, नॉट वो के नहीं है कि मेरे में कोई सरिया या कुछ लोगों में आ जाता ना कि थोड़ी सी चोरत मिलती है और वो अपने आप को समझते पता है हम क्या हो गए। नहीं, मैं हमेशा अपने बच्चों को भी कहती हूँ डाउनवर्ड रहो, झुके रहो, जितना झुकोगे उतना फल लगेगा। बिल्कुल, तने रहोगे तो तने दर्द को तो कभी फल नहीं लगता भाई। बिल्कुल, ब्यूटीफुल। तो ये चीज़ मैं अपने बच्चों को हर वक्त समझाती हूँ। अभी मैंने आपका इंट्रोडक्शन में बताया ब्यूटीफुल ह्यूमन, सो व्यूअर्स मस्ट बी थिंकिंग कि ये वर्ड क्यों बोला। सो आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन कि ये बहुत से लोगों की हेल्प कर रही हैं, हु कांट अफोर्ड, अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, हु कांट अफोर्ड टू लर्न दिस ब्यूटिफुल स्किल एज अ ब्यूटिशियन, ये उनको हेल्प आउट कर रही हैं, उनके लिए ना सिर्फ उनको फ्री में ये स्किल दे रही हैं बल्कि स्टाइपेंड्स दे रही हैं, विच इज़ अ बिग थिंग। सो बताएं इसके बारे में। देखिए ना, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, कुछ सबसे पहले तो मैं कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट इससे चेंज करना चाह रही हूँ कि कुछ लोग हैं कि जो इस प्रोफेशनल को बहुत बुरा समझते हैं। अब आई थिंक चेंज होता जा रहा है। हां, देयर वाज अ टाइम, या देयर वाज टाइम, अभी भी है स्टिल। अच्छा, अभी भी स्टिल है। यू आर इन दिस सो यू कैन टेल बेटर। पेरेंट्स को भी इसकी अवेयरनेस नहीं है, वो कहते जी हमारी लड़की इस प्रोफेशनल में क्यों जाए। हाँ, पहले जमाने, आप देखो पहले जमाने में कोई मेकअप नहीं था, घरों पर ब्राइड्स तैयार होती थी,
ठीक है ना, या वो चाइनीज दो चार सलून थे, वो जैसे मेफियर हो गया, बिल्कुल एनीओ वो था वो लोग ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बीच में अवेयरनेस स्टार्ट हुई, तो ये सलून्स हमारे यहाँ पे बनने शुरू हो गए और यहाँ पे सब एजुकेटेड लोग इस फील्ड में, बिल्कुल। और आप देखो कि मेरे बचपन में मैं देखती थी जी घर में ब्राइड्स बन रही हैं, उनको वो एक वो सीक्वल्स होते थे मल्टी कलर्स में, तो सीक्वल्स उनको लगा के पूरा इंडियन मूवीज की तरह ना, तो बचपन से चीज देखते आए। तो जब जैसे मैं ब्रॉट अप होती गई, लोगों में अवेयरनेस आती गई, तो लोगों ने अपने सलॉन्स बनाने शुरू कर दिए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के साथ कि जो बच्चियाँ इस फील्ड में बच्चियाँ या बच्चे आने चाहते हैं उनको आने दें, उनको आगे बढ़ने दें, उनको गुड स्किल, गुड स्किल। आप करोगे कि मेरे पास इस वक्त 80% लड़कियाँ काम कर रही हैं। क्यों काम कर रही हैं? इसलिए काम कर रही कि देखो, एक तो शेल्टर आपको मिलता है, सही ना, और आपको आपको आगे बढ़ने का मौका। और मैंने तो अपने बच्चों को बोला हुआ कि जिसको आगे बढ़ना है ना, और आगे बढ़ो, तो मेरे प्लेटफॉर्म मैंने दिया हुआ है। आओ, मैं बच्चों को कहती हूँ आओ मेरे पास काम सीखो, काम करो, और उसके बाद इंटर्नी मेरे पास, इंटर्नशिप मेरे पास ही करो, उनके लिए आगे बहुत से रास्ते खुलते हैं। एंड आई एम श्योर यू फील इमेंस हैप्पीनेस इन दैट, और कितनी सेटिस्फेक्शन फील होगी, कितनी दुआएं आपको मिलती हैं। ये दुआ है, तो देखो ना, आज दुआ मिली तो इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए ना, बिल्कुल। आप अच्छा किसी के साथ करोगे तो डेफिनेटली वो जात भी आपके साथ अच्छा करती। सही, मैं तो बहुत बिलीव है कि ये अल्लाह पाक और पवित्र पाक आपके लिए बहुत कुछ करता है। गौर, लाहौर में जैसे आप पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत कम सलॉन्स थे, लेकिन अब इतने ज्यादा है कि आप तो यानी कि आप एक स्ट्रीट में चले जाए तो आपको चार सलॉन नजर आते हैं। आपको चार पांच मिलेंगे अंदर अंदर गलियां, जो आपने कभी एक्सप्लोर नहीं की। अगर आप कभी गलती से चले जाओ वहां पे आपको चार मिल जाएंगे, चार पांच मिलते हैं। सो मुझे, आई एम टॉकिंग अबाउट लाहौर, आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज, बट आप मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू ऑफर, GQ क्या ऑफर करता है व्हिच मेक्स इट डिफरेंट एंड यूनिक एंड मेक्स इट बेटर देन अदर्स? नहीं, देखो हमारे सबसे पहले तो चार्जेस हैं। ओके, हमारे चार्जेस इतने अफोर्डेबल हैं कि हर बंदे इसको अफोर्ड कर सकता है। और दूसरा, हमारा एक हेयर डिपार्टमेंट माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा है। ओके, अब तो खैर मेकअप्स भी हमारे बहुत अच्छे हो गए, हमारे नेल्स, हमारा मैनी पैडी बहुत ज़्यादा फेमस है। हम लोग ब्रांड यूज़ नहीं करते कोई भी मैनी पैडी में, जस्ट हर्बल थिंग्स यूज होती हैं उसमें सारी। अच्छा, ओके, एक्रेलिक्स भी हमारे पास, और जरिश करते हैं हम लोग। बट एज यू मेंशन के प्राइस आल्सो, यस मस्ट, जब सबसे पहली प्रायोरिटी वो प्राइस की है कि प्राइस इज वेरी लो, नॉट हाईएस्ट। और इतनी आप प्राइम जगह पे बैठ के अगर इफ प्राइसेस आर लो, सो पीपल वुड लव टू कम। और इतनी आपको खूबसूरत आपने बनाया हुआ है, आई जस्ट टुक अ टूर एंड डेफिनेटली रेगुलरली अब आती रहूंगी। यहाँ पे आपने पाकिस्तान में सलून स्टार्ट किया, मुझे बताएं सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या है, यहाँ पे इश्यूज क्या है, सलून स्टार्ट किया क्या मसला आता है बनाते वक्त भी और बनाने के बाद? नादिया, मैंने तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। कैसे किए, ये भी बताएं। बहुत ज्यादा, मुझे तो सबसे पहले बोला गया था कि ये ऑनर बन सकती हैं, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था। अच्छा। मैंने एक्सेप्ट किया और आई प्रूव्ड कि मैं बन सकती हूँ, बिल्कुल, और मैंने बनाया। मैंने इसको 3 months में इस बिल्डिंग को रेनोवेट किया। वाओ, जस्ट 3 months, yes. 3 months में कमरा रेनोवेट नहीं होता, स्पेशली इन पाकिस्तान। हां, सब मुझे बोले कि आपने 3 months में कैसे किया। तो मैं यहाँ से रात को बहुत लेट जाती थी। और वो चैलेंज की आपने स्पिरिट वही स्पोर्ट्स की वजह से आई, बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स। वो चैलेंज कहते हैं ना, आप स्पोर्ट्समैन में होती है कि जी आपको कोई चैलेंज कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। मैंने एक्सेप्ट किया उसको और मैंने प्रूव करके दिया उसको। और सबसे बड़ी बात है आपके उसमें टीम वर्क है ना, मेरी टीम वर्क इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यस। और मैं कहती हूँ हमेशा लॉयल होना चाहिए हर बंदे, अपने काम के साथ, अपने साथ, अपने साथ, बिल्कुल, अपने, मैं तो कहती हूँ अपने ऑनर के साथ भी लॉयल होना चाहिए। ये जस्ट नहीं कि सिर्फ आप अपने काम के साथ लॉयल हो, वो तो है हर बंदे का, लेकिन आप जहाँ से रिस्क खा रहे हो उसके साथ भी तो लॉयल हो। ये आई थिंक ये चैलेंज आपको आया होगा, क्योंकि लोग यहाँ से सीखते हैं एंड देन दे मूव ऑन। एक चीज़ बताती हूँ, लोग मर भी तो जाते हैं ना, किसी के मरने से काम नहीं रुकता, रुकती नहीं, तो वो चीज़ चलती रहती है। तो मैंने वो चीज़ अपने माइंड में की हुई थी कि कोई बात नहीं, ऊपर उसकी ज़ात तो है ना, वो आपके साथ अच्छा करती है, अल्लाह आपके लिए और रास्ता बना रहा है। ऑफ कोर्स अल्लाह और बनाता है, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बना रहा है। सही सही सही। अरे यूर अ ब्यूटिशियन, मुझे ये बताएं व्हाट इज ब्यूटी इन योर आईज, क्या है खूबसूरती? हर बंदा खूबसूरत, ये नहीं कि सिर्फ एक ही बंदे को आके जो खूबसूरत है सफ़ेद है तो उसी को खूबसूरत बनने का, कि नहीं नहीं, मैं एग्री नहीं करती इस चीज़ से।
देखो हर बंदे को खूबसूरत बनने का अपने अपने वे में अपने उसमें हर बंदा खूबसूरत सही एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल एंड एवरीवन इज ब्यूटीफुल मुझे याद है स्कूल में कॉलेज में इंग्लिश के जो स्पेसिफिकली टीचर्स होते हैं या प्रोफेसर होते हैं उनके सामने अगर कोई गलत अंग्रेजी बोलते हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आता है आपके सामने कोई गंदा मंदा मेकअप करके आए गुस्सा आता है दिल्ली का तो पकड़ के भी ठीक कर दो आता भी है देखिए देखो उनको कई लोगों का अवेयरनेस नहीं होती इस चीज़ की तो अगर हम लोग ब्यूटिशियंस हैं तो हमें चाहिए कि उनको बड़े तरीके से चीज उनके उनको गाइड करना चाहिए कि भाई ये चीज़ आप पे सूट नहीं कर रही समटाइम लोग होते हैं जो समझ जाते हैं समटाइम लोग नहीं समझते समझिए ना तो वो हार्श हो जाते हैं एकदम हाँ ऑब्वियसली दे गेट ऑफेंडेड यस कि आपने ये बात क्यों कर दी तो अब तो खैर ये जो आपके पास इतनी बड़ी ये एसिड है जो आपको हर चीज की अवेयरनेस देती है बिल्कुल बल्कि आप तस्वीर खींच के देख लो वो भी बता देते हैं ऑफ कोर्स आपको बता देते हैं कि ये क्या है तो मैं खैर इसमें भी वैसे आपने देखा है ये अपने वाइट होने की बात कर रही थी आई हैव सीन पाकिस्तान आने के बाद 70% ऑफ पीपल हैव दिस ऐप ऑन देयर फोन जिसमें आप अपने खुद को देखो तो आप बहुत वाइट लगते हो हैं वो क्या है वो आपको पता है वो आप नहीं हो तो फिर शीशे में तो खुद को देखो ना कैसे लग रहे हो वो उसी में खुश है उसी में खुश है डिल्यूजनल हां क्या उसमें है खुशा लेकिन नहीं ना आप किसी को कुछ नहीं कह सकते बिल्कुल जो जिसमें खुश है जो जिसमें खुश है लेकिन नहीं फिर भी मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा गाइड करना चाहिए आपका फर्ज है आपका फर्ज है वो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको कर दो अगला समझे ना समझे लेकिन आप तो गाइड करो ना गौर सबसे ज्यादा आपको क्या चीज खुशी देती है खुशी देती है देख के आप मुस्कुरा उठती हैं अपने बच्चों की मुस्कुराहट ब्यूटीफुल हाँ मैं जब एंटर होती हूँ तो मुझे मैंने सबको बोला कि स्माइल दिया करो फेस पर वो खुशी होती है मुझे कि मेरे बच्चे खुश हो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बहुत कम लोगों को होती है मैं बताऊँ सॉरी सॉरी टू से और इनके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए आप दिन रात एफर्ट कर रही हैं एफर्ट करती हूँ इनके साथ हूँ मैं इनको बोला कोई प्रॉब्लम हो मैं तुम लोग के साथ खड़ी कोई इशू है मुझे बताओ डायरेक्टली मेरे से बात करो टेंशन मत जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिकॉज लेकिन मैंने इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया था ना गॉड फादर फॉर देम ओह आपको पता नहीं मैंने इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया था ना इसी वजह से किया था अच्छा गौर एनी मैसेज बिफोर यू गो आई वांट टू गिव ये मेरा जो मैसेज है पेरेंट्स के लिए स्पेशली कि जो अपने बच्चों बच्चियों के इस फील्ड में नहीं आने दे रहे तो प्लीज ये बहुत अच्छी फील्ड है इसको फील्ड को गलत मत समझिए आप अब तो यहाँ पर लोग पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो मेक श्योर मैंने पहले भी बोला है कि मेरे पास इधर 80% लड़कियां काम कर रही हैं तो जिसको अपनी बेटी को भेजना है बेटे को भेजना है वो मेरे पास भेजे और मैं उनको सब काम सिखाऊंगी और जब वो काम सीख जाएंगे तो मैं उनको अपने पास इंटर्नशिप पे भी रखूंगी ये मेरा मैसेज है आप सबके लिए प्लीज़ थैंक यू सो मच गौहर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और सब कुछ जान के यू आर रियली डूइंग ग्रेट वर्क और बहुत दुआ है अल्लाह उसमें और बरकत दे थैंक यू सो मच और एंजेलिना जोली भी आपकी फ्रेंड है बेस्ट सही ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और आई एम श्योर कि इसी तरह आपको बरकतें मिलती रहेंगी जो आप अच्छा काम कर रही हैं थैंक यू सो मच व्यूअर्स आई रियली होप यू लाइक द शो थैंक यू